नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आप ही लोगों के लिए बात करेंगे बहुत सुंदर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों को डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को पेट की समस्या है, यानी बार बार लेटरिन लगती है, बार बार यानी खट्टा ढकार मीठा ढकार आता है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आपके पास में कोई काम नहीं आए, काम धंधा नहीं आए, किसी काम में अगर जाते हैं, हल्का फल्का काम है, यानी समझिए कि ना मात्रा का काम है, अगर भारी काम है तो कुछ भी खा सकते हैं, यानी कुछ भी खा करके पचा सकते हैं या रोटी खा सकते हैं। उसके अलावा अच्छा अच्छा सब्जी या बना करके खा सकते हैं, वो भी थोड़ा। लेकिन आप लोगों को भर पेट खाने वाला आज चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है खिचड़ी। इस खिचड़ी को खाने से आप लोगों को क्या क्या फायदा होती है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों की आंतों की रेशा अगर मर गई होगी पहले से, तो आपको आंतों की रेशा जो है वो तुरंत वापस आएगी 1 महीना में। और खिचड़ी को कैसे खाना है, लीवर कमज़ोर होगा आपको तो वो भी पूरा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि लीवर जो है वो ख़राब खाना खाने के कारण जो है वो उसमें समझिए कि कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोरी के कारण कोई भी खाना नहीं पचा पाती है लीवर। तो खिचड़ी जो है वो खाना चाहिए। खिचड़ी रोज अगर आप खाते हैं, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा हरी मिर्च लहसुन डाल दीजिए, उसके बाद में आलू डाल दीजिए काट करके, उसके बाद में थोड़ा सा सोयाबीन डाल दीजिए, भून दीजिए उनको, भूनने के बाद में चावल उसमें डाल दीजिए, और चावल डालने के बाद में थोड़ा सा मसाला जो भी है सब मसाला में से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, और वो खाना आप खाएंगे और कोई भी काम करेंगे तो आपको पेट की दिक्कत जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। और तरह तरह की भयंकर बीमारी से आप लोगों को पेट खराब होती है तो समझिए कि पेट में गैस बनता है। गैस बनने के कारण बहुत सभी लोगों को लकवा फालिस की बीमारी तुरंत हो जाती है और उनकी कुछ भी होने की संभावना बना रहता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये जितनी भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी वो आप लोगों को बीमारी के ही बारे में मिलेगी, क्योंकि एक बार पेट में गैस बन गया तो झटका मारता है तो उसी समय आदमी गिर जाता है। गिरने के कारण कुछ भी हो जाता है, कुछ भी होने के कारण आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाते जाते कुछ भी हो जाता है। तो दोस्तों इन सभी बीमारियों से बचने के लिए आप लोगों को अगर ज़्यादा भूख लगती है, यानी ज़्यादा खाना खाना पसंद करते हैं, तो खिचड़ी ही खाइएगा। देखिए दोस्तों हमने खिचड़ी बनवा लिया है, इसमें सुबह खाएंगे 12 बजे खाएंगे और थोड़ा सा रह जाएगा तो रात के समय में खाएंगे, उसके साथ में 2 रोटी खाएंगे या उसके साथ में थोड़ा सा मीट भी लेकर के खाएंगे, लेकिन रात के समय में। ये नहीं कि सुबह में मीट जो है वो नहीं खाना चाहिए, मछली हो सके तो खा लेना चाहिए, दही हो सके तो खा लेना चाहिए। अगर दाद खाज खुजली की बीमारी है आपको तो दही नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, कांदा कोहरा बैंगन जो है सब चीज़ छोड़ देना है दोस्तों, कि आप लोगों के पास में बीमारी ना हो। और खिचड़ी को खाइएगा तो तरह तरह की बीमारी आने वाला होगा वो तुरंत आप लोगों के शरीर से मिट जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता दुर्गा जी से हरदम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहे और बीमारी जितनी भी है वो मिटती रहे। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ आप लोगों के बाल बचे और आप भी सुरक्षित रहें और माता दुर्गा जी की कृपा से बने रहें, खूबसूरत रहें, मस्त रहें, और आप लोगों के कम्युनिटी में हमेशा माता दुर्गा जी बरकत देते रहें। थैंक यू दोस्तों, बने रहें।